हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इमेजिन आर्ट्स। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप फोल्डर पर पासवर्ड कैसे लगाएंगे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में। किसी फोल्डर पर आप पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अगर आप भी किसी फोल्डर पर पासवर्ड लगाना चाहते हैं, आपका कोई पर्सनल डाटा है या आपका कोई ऑफिस का डाटा है और जिसे आप सेफ रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब भी आप उस फोल्डर को ओपन करें आप ही ओपन करें और दूसरा उसे कोई ओपन ना कर सके, और उस पर आप एक पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊँगा कि कैसे आप अपने फोल्डर पर पासवर्ड लगाएंगे, उसकी विन रार फाइल बनाकर कैसे आप उस पर पासवर्ड लगा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर रखा हुआ है, एक म्यूज़िक के नेम से जो एक फोल्डर है। आप भी अपने किसी फोल्डर पर पासवर्ड लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, और मैं भी आपको यहाँ पर एक पासवर्ड लगाकर दिखाऊंगा इस फोल्डर पर। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर इसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड टू अचीव पर आना है। ध्यान रहे, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में विनरार फाइल जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होना चाहिए, उसे आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसको ऐड टू अचीव करेंगे। ऐड टू अचीव करने के बाद यहाँ पर एक जनरल का ऑप्शन आएगा, देखिए, और उसके नीचे आप ये देख रहे हैं सेट पासवर्ड। आपको यहाँ पर सेट पासवर्ड पर क्लिक करना है, और यहाँ ये आपसे एक पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पर आप पासवर्ड डाल सकते हैं जो आप पासवर्ड डालना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ये भी सिंपल एक पासवर्ड डालूंगा, 1234। वही पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर डाल देना है, 1234, और उसके बाद आपको यहाँ से कर देना है ओके। और यहाँ से दोबारा से इसको ओके कर देंगे। ये देखिए, अब जो हमारा जो म्यूज़िक का जो फोल्डर है वो एक बिनरार फाइल में कन्वर्ट हो गया है, और उस पर एक पासवर्ड लग चुका है। अभी मैं आपको इसे ओपन करके दिखाऊंगा। अब मैं इस जो हमारा जो म्यूज़िक का पहले वाला फोल्डर है, मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। ये मैंने डिलीट कर दिया, और अब हमारा ये एक जो म्यूज़िक का फोल्डर है वो विनरार फाइल में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसे ओपन करके देखेंगे। यहाँ से हम इसे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे। हम देखते हैं ये फोल्डर ओपन होगा या नहीं होगा। मैं यहाँ से करता हूँ ओके। तो ये देखिए, फोल्डर ओपन नहीं हुआ है। अब यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांग रहा है, जब तक आप इसमें पासवर्ड नहीं डालेंगे ये ओपन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर पासवर्ड डाल के देखते हैं, 1234, और यहाँ से करता हूँ ओके। देखिए, हमारा जो फोल्डर है ओपन हो चुका है। ये देखिए, ये हो गया हमारा फोल्डर ओपन। इस तरह से आप अपने किसी फोल्डर पर पासवर्ड लगा सकते हैं और अपने डाटा को सेफ रख सकते हैं आप। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।